इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से आप करोड़पति बन सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने भी यूट्यूब पे या फिर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पे ये चीजें शेयर करते हुए देखा ही होगा कि वो आपको एक ऐप देते हैं, आपको बोलते हैं भाई इसे डाउनलोड करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, फर्स्ट शेयर पे इतना मिलेगा, सेकंड पे इतना मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ क्यूज रहेंगे, वो खेलना रहेंगे। दोस्तों क्या पैसा कमाना इतना आसान है? क्या इन एप्स के माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हो? नहीं, ये सारी चीजें गलत है। और इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे देखने में आ रहे हैं जो कि ऐसे एप्स का रिव्यू करते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, इतने लोगों को शेयर करना है, आपको इतना पैसा मिलेगा। मतलब यूट्यूबर्स भी ऐसा कर रहे हैं जो कि एक बड़े यूट्यूबर है जिन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई, क्यों ये ऐसा होता है और क्यों आपको ये कुछ पैसे थोड़े से देते हैं, उसके बाद यूट्यूबर्स का इसमें क्या फायदा रहता है, तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करेगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों होता है क्या है ना, जब एक यूट्यूबर्स रहता है, जब उसके पास काफी सारे सब्सक्राइबर आ जाते हैं तो एप्स कंपनी उन्हें कॉन्टेक्ट करती है कि भाई हमारा यह ऐप है, आप इसका रिव्यू करिए, हम आपको इतने डॉलर देंगे, आपको पॉजिटिव रिव्यू करना है। तो आप वो ऐप चाहे थर्ड क्लास हो, हमने कभी उसको देखा नहीं होगा, ये उस एप्लीकेशन को उठाते। मैं सारे यूट्यूबर्स का नहीं बोल रहा हूँ जो अनइथिकल तरीके से काम करते, जिनके लिए बस पैसा ही सब कुछ होता है ना, वो ऐसा करते हैं। तो वो उस एप्स को उठाते हैं और आपको उसके बारे में बता देते हैं। अब कुछ लोग हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम भी उसको डाउनलोड करते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड के बाद आपने सभी ने देखा होगा हमें कुछ एक्सेस देना रहती है, आपको एक लोकेशन का देना रहता है, आपको फिर परमिशंस और भी कुछ देना पड़ती है, आपको अपने कॉन्टेक्ट का देना पड़ता है। तो ये सारे डाटा वो अपने पास रख लेते हैं एप्स। फिर क्या करते हैं कि आप जब उस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर दोगे ना, उसके बाद भी जो आपका सारा डेटा है ना, वो हमेशा आपसे लेते रहते हैं। और ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, ये डेटा को जो कंपनीज रहती है उनको ये सेल आउट कर देते हैं। मतलब आपको उन्हें दिया 20 रुपए 30 रुपए, वो तो कभी कमाए ही नहीं, बस वहीं पे आते हैं एप्स में, कोई यूजफुल रहते नहीं है। बाकी हमको ऐसा लगता है कि हम वहां से काफी अच्छा कमा सकते हैं। अभी ये वहां से इतना सारा डेटा लेके आपके द्वारा आपका फोन नंबर ले लेंगे, आप किस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब आप कौन सी चीज ज्यादा सर्च कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, मतलब कि आपको भी इतना पता नहीं रहता है जितना इनको पता चल जाता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन। आपने कभी देखा होगा आप कुछ भी सोशल मीडिया पे, कुछ भी फेसबुक या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, आपको कुछ एड आते हैं, ऐसे एड आते हैं जो आपको बिल्कुल उनके बारे में जानकारी चाहिए रहती है, आप कहीं पे उसको सर्च करते हैं, तो ये सब होता है एप्स के थ्रू। ये आपका डिटेल बड़ी बड़ी कंपनियों को भेज देते हैं और फिर वो इसका अनइथिकल तरीके से यूज करती है। तो कभी भी ऐसी चीजें बिल्कुल सिक्योर रहे, थोड़े से पैसे के लिए ये अर्जी फर्जी एप्स को कभी डाउनलोड नहीं करें। एप्स वही डाउनलोड करें जो वेरीफाइड हो, जिस पे ट्रस्टेबल हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, किसी के कहने पे कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि अभी तो ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में काफी सारे फ्रॉड होंगे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है यार। और मोबाइल हमें हमारा इतना डाटा रहता है ना कि हमारी पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा उसमें हम रखते हैं, मोबाइल नंबर, आईडी, इससे सारी चीजें आपकी हैक हो सकती है। तो हमेशा सिक्योर रहे इसके बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।